नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। उत्तराखंड में फाइनल फेज में रेस्क्यू ऑपरेशन, पीएम मोदी ने हालात की जानकारी ली। उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंच गया है। उम्मीद है कि सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को आज सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनडीआरएफ ने सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। टायर लगे स्ट्रेचर से एक व्यक्ति को बाहर निकालने की ड्रिल सफल रही। इससे पहले सुरंग में फंसे श्रमिकों को आज सुबह नाश्ते में मूंग की दाल की खिचड़ी, ब्रेड, बॉइल्ड एग, जैम और दूध भेजा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। राजौरी मुठभेड़ में सेना का बड़ा बयान, पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक थे, मारे गए आतंकी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना ने बड़ा बयान जारी किया है। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मारे गए आतंकियों की पहचान खालिस्तानी सेना के रिटायर्ड सैनिकों के रूप में हुई है। ये काफी ट्रेंड विदेशी आतंकवादी थे, इसलिए इनको खत्म करने में समय लगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वह विदेशी आतंकियों को यहाँ लाकर खून खराबा फैलाए और हमारी कोशिश इन विदेशी आतंकियों को खत्म करने की है। आतंकी कारी के खात्मे के बाद स्थानीय आबादी का मनोबल ऊंचा हो गया है और वे डर से बाहर आ गए हैं। पीर पांचाल में अभी भी 20 से 25 आतंकी सक्रिय हैं। इन सभी आतंकियों को सेना एक साल में काबू कर लेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ी सर्दी, राजधानी में पारा 9 डिग्री के करीब पहुंचा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। एनसीआर में रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से नवंबर के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 27 नवंबर को उत्तराखंड में आंधी और बिजली के साथ ओले गिरने की संभावना है। इसके अलावा आज से 27 नवंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़, मध्य प्रदेश और गुजरात में कई जगहों पर गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान ने दिल्ली में बंद किया दूतावास, संपत्तियों पर किया दावा। अफगानिस्तान ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। अफगान दूतावास ने कहा कि भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के बाद दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से बीते 30 सितंबर को परिचालन बंद किए जाने के बाद लिया गया है। अफगानिस्तान ने कहा कि वियना कन्वेंशन 1961 के अनुसार भारत सरकार से मांग की गई है कि दूतावास की संपत्ति, बैंक अकाउंट, वाहनों और अन्य संपत्ति की कस्टडी उन्हें दी जाए। अफगानिस्तान ने मिशन के बैंक खातों में करीब $5,00,000 की रकम भी दावा किया है। भारत में अफगानिस्तान के इंचार्ज एम्बेसडर फरीद महमूद जई की नियुक्ति अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से पहले हुई थी। महमूद जई ने आरोप लगाया कि तालिबान का शासन आने के बाद उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया गया। कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नेवी अफसरों की याचिका मंजूर, जल्द होगी सुनवाई। भारत के लिए उस समय एक राहत भरी खबर सामने आई जब कतर कोर्ट ने 8 पूर्व नेवी अफसरों की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। भारतीय नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। इन पूर्व नेवी अफसरों की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने याचिका दायर की है। भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अफसर कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कतर सरकार ने उन पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी। बीते 26 अक्टूबर को कतर की अदालत ने इन पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुना दी। आशंका है कि इन पूर्व नेवी अफसरों को सुरक्षा संबंधी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम लागू, कतर का दावा आज 13 बंधक रिहा करेगा हमास। इसराइल और हमास में युद्ध के बीच हुए समझौते के तहत बंधकों की रिहाई आज शुरू हो रही है। कतर का दावा है कि गाजा में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आज से तेज हो जाएगी। 7 सप्ताह के युद्ध के बाद इसराइल और हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम आज शुरू हुआ है।
कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम के बाद अब बंधकों के पहले समूह को इसराइल भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे के आसपास रिहा करेगा। इन बंधकों में एक ही परिवार की महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। समझौते के अनुसार 4 दिनों के युद्ध विराम में 50 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति बनी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि रिहा होने वाले बंधकों की पहली लिस्ट मिलने के बाद सरकार बंधकों के परिवार के संपर्क में है। गौतम मामले पर बोले पिता विजयपत सिंघानिया, बेटे को रेमंड की कमान देकर की थी गलती। रेमंड ग्रुप के मुखिया गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी में तलाक पर जारी विवाद के बीच पिता विजयपत सिंघानिया का बयान सामने आया है। रेमंड को ग्लोबल ब्रांड में बदलने वाले विजयपत सिंघानिया ने कहा कि मुझे सड़क पर देखकर गौतम को खुशी मिलती है। साल 2015 में उन्होंने बेटे गौतम को रेमंड की बागडोर सौंपी थी। इस फैसले को याद करते हुए विजयपत सिंघानिया ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ देकर गलती की थी। विजयपत सिंघानिया ने सलाह दी कि उन माता पिता को पहले बहुत सावधानी से सोचना चाहिए जो अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं। गौतम सिंघानिया ने 2017 में साउथ मुंबई स्थित रेमंड हाउस से पिता विजयपत सिंघानिया को बाहर निकाल दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।